about our new topic, ethics in public and private relationship and integrity. Okay, so private or public relationships kya hoti hai? Pehle relationship samajhte hain. When we find a connectivity and bond with some another person, okay, that can be informal, that can be formal, that is what define as a relationship. ठीक है, तो some relations are imposed on us by God. ठीक है, some relations are made by us. जैसे जो imposed relations होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे blood relations, like our parents, our relatives, है ना, our distant relatives जो होते हैं. ठीक है, वो blood relations होते हैं, आपकी मासी, आपकी नानी, आपकी मम्मी पापा, सब ये आपके blood relations हैं. एंड दे आर इम्पोज रिलेशन, और इनकी नेचर कैसी होती है? परमानेंट नेचर होती है. ठीक है, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो हम बनाते हैं. ठीक है, ये भी इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए. ठीक है, फिर जो रिलेशन आपकी शादी के बाद में बनते हैं, वेदर इट्स योर वाइफ, वेदर इट्स योर हस्बैंड, ठीक है, वेदर इज योर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो जो रिलेशन होते हैं वो हम बनाते हैं, और उन रिलेशनशिप में काफी हद तक इनफॉर्मैलिटीज होती है, कोई फॉर्मैलिटीज नहीं होती है, दे आर कंप्लीटली इनफॉर्मल. ठीक है, एंड देन वी टॉक अबाउट पब्लिक रिलेशंस. सी, पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं कि एक शॉपकीपर होता है, उसके कस्टमर के साथ में उसका जो रिलेशन होता है उसे पब्लिक रिलेशन डिफाइन करते हैं. लेकिन कोई भी रिलेशन है वो प्योरली ना पब्लिक होता है ना प्राइवेट होता है. जैसे आप एक कस्टमर हैं और आप एक शॉपकीपर की शॉप पे 15 सालों से जा रहे हैं, तो समवेयर यू एस्टेब्लिश अ काइंड ऑफ प्राइवेट रिलेशन विद दैट पर्सन, है ना, कि अब वो इंसान के आपकी फैमिली को जानने लग जाता है कि ठीक है वो इतने सालों से आ रहे हैं. लाइक व्हेन आई वाज अ किड, तो आई यूज्ड टू गो विद माय ग्रैंडफादर टू द शॉपकीपर, है ना, तो शॉपकीपर के पास जब मैं जाती थी तो क्या होता था कि वो अंकल को पता था कि ठीक है तो खदरियों की लड़की ये हमेशा आती है. ठीक है, तो मैं उनके साथ में जाती थी. तो अब वो क्या हुआ कि उन मेरे दादाजी की डेथ के बाद भी हम जो सामान है उनसे ही लेते रहते थे. तो दे यूज टू बी कंसिडरेट कि ठीक है ये तो हमारी बच्ची है, मतलब यहाँ पे आती है, और कुछ भी अगर मान लो कि कुछ मार्केट में कुछ भी बात हो जाती, मान लो कि मेरे हाथ में कुछ सामान था वो सामान गिर गया, तो दे वर लाइक वेरी कंसिडरेट कि ठीक है कि बच्ची का सामान है तुम लोग उठाओ और सारा उसके घर पे तुम पहुंचा के आओ, इतना सामान है स्कूटी पे नहीं लेके जा पा रही. तो मतलब तो काइंड ऑफ द काइंडनेस एंड टेंडरनेस वो अपने आप मतलब शो करने लग जाते हैं. प्रोफेशनलिज्म में ये सब चीजें नहीं होती है. प्रोफेशनलिज्म में दे आर टोटली वेरी लाइक मतलब स्ट्रिक्ट टू देयर प्रोफेशनलिज्म कि ठीक है हमारा काम का सामान बेचना था एंड दैट्स ऑल. लेकिन पब्लिक और प्राइवेट रिलेशन होते हैं वो कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि प्योरली पब्लिक है, कोई नहीं कह सकते प्योरली प्राइवेट है. जैसे मोदी जी है, वो ये कहते थे कि दैट अरुण जेटली उनके साथ उनका पब्लिक रिलेशन है. कैसे कि ही इज द PM एंड अरुण जेटली इज द फेलो मिनिस्टर एंड लाइक उनके पोर्टफोलियो में शामिल थे. लेकिन व्हेन अरुण जेटली डाइड, पीएम मोदी गॉट सैडन, लाइक गॉट सैडन एंड से कि आई लॉस्ट अ फ्रेंड टुडे. ठीक है, तो वो कैसे हुआ कि उनका पब्लिक रिलेशन के साथ में इतने सालों तक राजनीति करते करते उनके साथ में एक प्राइवेट रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया था. ठीक है, तो कोई भी रिलेशन ना पब्लिकली प्योर होता है, कोई रिलेशन ना अपने प्राइवेट कहें तो वो प्योर होता है. ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट. प्राइवेट और पब्लिक रिलेशन जो होते हैं उनको हम चाहे कितना भी मतलब अलग कर ले, दे आर समवेयर रिलेटेड. ठीक है, आप जैसे एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, ठीक है, काफी सालों तक आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है कि जो आपके फैमिली पार्टीज होती है उसमें आपके बॉस आने लग जाते हैं. ठीक है, आपका कुछ टाइम के बाद में आपके बॉस के साथ यू एस्टेब्लिश ए फ्रेंडली रिलेशन. ठीक है, और वो सारी क्या होता है कि प्रोफेशनलिज्म जो आपका पब्लिक रिलेशन था वो धीरे धीरे प्राइवेट में कन्वर्ट होने लग जाता है. ठीक है, लाइक यू स्टार्ट कंसिडरिंग योर बॉस एज ए एल्डर ब्रदर, और यू स्टार्ट सीइंग दैट योर बॉस एज ए फादर फिगर. ठीक है, तो ये चीजें जो होती है वो कुछ केसेस में होती है. कुछ बॉसेस होते हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू प्रोफेशनलिज्म, तो वो मतलब कोई भी अपने प्रोफेशनल के अलावा किसी भी तरह का प्राइवेट रिलेशन नहीं रखते हैं. ठीक है, ये हो गई पब्लिक और प्राइवेट रिलेशंस की बात. अभी ये पब्लिक और प्राइवेट रिलेशन की बात हम करेंगे एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन में. हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर हम बात करेंगे. देखिए, पहले तो प्राइवेट रिलेशन और पब्लिक रिलेशन में हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. प्राइवेट रिलेशंस में क्या होता है, लेट्स सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट रिलेशन. ओके, ठीक है, तो प्राइवेट रिलेशंस क्या होते हैं कि जहां पे हम अपनी पर्सनल लाइफ को वैल्यू करते हैं एंड डील विद वेरियस रिलेशंस सच एज फैमिली रिलेशंस, फ्रेंडशिप. ठीक है, मैंने आपको बताया था फैमिली रिलेशंस जो आपके आप फॉर्म करते हो. ठीक है, जो रिलेशंस आप फॉर्म कर, जो रिलेशंस गॉड के इंपोज्ड होते हैं, ब्लड रिलेशंस होते हैं,
देन वी हैव फ्रेंडशिप, ठीक है, जो हम बनाते हैं, वो रिश्ते जो हम बनाते हैं, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब दे आर, लेकिन फॉर्मल एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं, दे आर नो सच फॉर्मेलिटीज इन दीज रिलेशंस, ठीक है, दे आर इनफॉर्मल इन नेचर एंड वेरीज विद पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब कुछ दोस्त होते हैं गाली देके बात करेंगे, कुछ दोस्त होते हैं बहुत ही तमीज से आप करके बात करेंगे, तो वो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, उन रिलेशंस को कोई कैसे चलाता है वो डिपेंड करता है। ओके, यू गॉट माय पॉइंट? सो प्राइवेट रिलेशंस में बेसिकली फीचर्स क्या होते हैं? केयर। अब आप पब्लिक रिलेशन देखो, आप अपने बॉस को फोन करके बोलो कि सर मुझे तो इलनेस हो गई, तो ऐसे थोड़ी है कि सर आपके घर पे पहुंच जाएंगे, हाँ बेटा आपके मतलब सर पे कितना कितना दर्द है कितना नहीं है, वो ये कहेंगे कि ठीक है आपको इलनेस हो गई है तो ओके आपकी कंसिडरेट करके हमें आपको एक दिन की या दो दिन की लीव दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज हो सकती है, लेकिन वो ऐसा थोड़ी कि केयर करने के लिए आपके घर पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन जो होते हैं वो थोड़े फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं, इसमें क्या होता है कि यू केयर फॉर द पर्सन, और ये चीजें क्या होती है, कुछ मस्ट चीजें होती है जो प्राइवेट रिलेशनशिप में होनी चाहिए, कि जैसे केयर का क्या हुआ कि इफ यू केयर फॉर द पर्सन सो द तो आप क्या बन जाते हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हो। लाइक जब मुझे बचपन में जुखाम होता था और मुझे बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, तो मैं सारी रात मतलब आई कुड नेवर स्लीप, ये मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, मुझे सांस नहीं आता था, तो द होल नाइट आई सो माय फादर वुड सिट एंड वॉन्ट स्लीप, है ना, और ये होता था कि सारी रात मेरे मतलब लाइक मम्मी नहीं जाग पाते थे, पापा जागते थे, और अगले दिन बिजनेस पे भी वो नहीं जाते थे, सब कैंसिल कर देते थे, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा हो जाता था, मेरे सांस भी नहीं आता था, तो मुझे होता साल में एक बार था, पर होता इतना खतरनाक था कि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, तो वो वाला कहीं ना कहीं मुझे ये चीज समझ में आने लगी कि जब आप बीमार होते हो तो सारी रात केयर करनी पड़ती है, क्योंकि वो चीज मैंने बचपन में देख ली थी, अब वो फीचर मेरे अंदर आ गया। तो आई वेंट टू हॉस्टल, स्कूल हॉस्टल में जब मैं थी तो मेरी रूममेट वॉज दिस 8-year-old kid, आई वॉज 15-year-old एंड शी वॉज 8-year-old kid, तो उस बच्ची को सारी रात जब उसको जुखाम होता था, उसके भी सेम प्रॉब्लम, मतलब कि मुझे जो बचपन में प्रॉब्लम था उसको भी वही था कि वो सारी रात सांस नहीं ले पाती थी, तो उसको जो केयर मैंने देखी थी अपने फादर को करते हुए, वो सेम केयर मैं भी उसकी करती थी, मतलब एक 15 साल की बच्ची सारी रात बैठी है एक 8 साल की बच्ची के लिए, ठीक है। हमारे हॉस्टल में पानी गर्म करने की फैसिलिटी नहीं थी, तो मुझे अभी भी याद है मैंने बहुत सारे दिए जला के जो मैं पूजा के लिए रखती थी, उन दियों के ऊपर मैंने इवन थोड़ा थोड़ा पानी गर्म कर करके उस बच्ची को पिलाया था, ठीक है। अब रात को क्या होता था कि मैम ने गेट नहीं खोला था, मैंने बहुत बार बोला वार्डन को कि मैम ये प्रॉब्लम है, तो वो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो मेरे अंदर अराइज हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट केयर थिंग विच आई सॉ इन माई फैमिली, ठीक है। तो केयर क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज कर देती है। तो अगर आप अपनी प्राइवेट लाइफ में, अब मैंने आपको इतनी सारी कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि जब आप प्राइवेट लाइफ में आप रिस्पॉन्सिबल होते हो ना, तो समवेयर यू आल्सो गेट रिस्पॉन्सिबल इन योर पब्लिक लाइफ, यू गेट कंसिडरेट, आप सामने वाले के हिसाब से सोचने लग जाते हो, जैसे आपके बॉस ने आपको ये बोला कि आपके काम में ये कमी है, तो यू गेट वेरी अलार्म्ड अबाउट इट, क्योंकि आपको ये लगता है कि योर बॉस इज गिविंग यू मनी एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि कम से कम मेरा काम बेस्ट होना चाहिए, तो यू गेट अलार्म, क्योंकि और आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, यू केयर फॉर योर बॉस एथिक्स एंड योर कंपनीज एथिक्स, और आप अपने काम को और सुधारने की कोशिश करते हो ताकि उसके अंदर 100% फीचर्स आए। ओके, तो ये बात हो गई केयर की, और केयर अराइज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अस, जो कि पब्लिक रिलेशन के लिए बहुत जरूरी है। ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होती है, ट्रस्ट इज मस्ट। देखिए ऐसा बोलते कि विश्वास के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता, और विश्वास अगर चला गया तो फिर उसको दोबारा मतलब यू नो रीगेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो जो ट्रस्ट होता है वो प्राइवेट रिलेशंस में बहुत जरूरी होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, है ना, चाहे फादर मदर हो, चाहे बच्चों का स्पेशली अपने पेरेंट्स की तरफ हो, इफ मतलब कोई बच्चा है किसी प्रॉब्लम में आ जाता है और वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है कि दे आर गोइंग टू हेल्प मी, और वो उस टाइम में उनकी हेल्प नहीं करते, तो शायद उस बच्चे के लिए जिंदगी भर बहुत मुश्किल हो जाता है अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना और या किसी और इंसान पे ट्रस्ट करना, क्योंकि उसे ये लगता है कि जब मेरे ब्लड रिलेशन मतलब जिन्होंने मुझे बर्थ दिया वो मेरे काम नहीं आई, तो हाउ कैन आई ट्रस्ट अनदर पर्सन इन माई होल लाइफ। तो वो ट्रस्ट क्या होता है कि ट्रस्ट की ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो ब्रीच हो गया किसी टाइम पे, अगर आप केयर नहीं कर पाए तो वो चीज कंसिडर हो जाएगी, लेकिन अगर ट्रस्ट ब्रीच हो गया तो इट वुड नेवर एवर कम बैक, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट की, तो जो कि ट्रस्ट एस्टेब्लिश जरूरी होता है। जो बच्चा बचपन से अपने पेरेंट्स, मान लो कि फादर इज अ चीटर, ठीक है,
और उनके बीच में डाइवोर्स जैसी कंडीशन आ गई, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा अपने सपोज पे आगे, कि मान लो कि कोई गर्ल चाइल्ड है, इफ उसके ऊपर ये इम्पैक्ट हुआ कि मेरी मदर ने कितना सफर किया था, तो शायद वो भी शादी से कतराने लग जाएगी कि मैं भी शायद इतना सफर करूंगी एक एक हस्बैंड के साथ रिलेशन में आने पे, तो वो भी शायद शादी से पीछे हटने लग जाएगी, बिकॉज शी ऑलरेडी सो हाउ ट्रस्ट गॉट ब्रीच्ड। तो जब ट्रस्ट प्राइवेट लाइफ में नहीं होता है, तो पब्लिक लाइफ में भी इंसान क्या होता है, ट्रस्ट बिल्कुल ही करना मुश्किल हो जाता है उसका। मान लीजिए कि आपको अपने बॉस पे ट्रस्ट नहीं है कि जितना मैं उसको काम करके दे रही हूँ या दे रहा हूँ, वो इंसान मुझे उतना उसका मतलब टाइम पे मतलब मुझे सैलरीज की प्रोवाइड करवाएगा कि नहीं करवाएगा, तो आप क्या करते हो कि आप फिर उस इंस्टीट्यूट से आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है और आप जल्दी से जल्दी उस इंस्टीट्यूट को छोड़ने की सोचने लग जाते हो, या आप कहीं और अप्लाई करने लग जाते हो कि क्यों, मतलब हो सकता है कि मैं इस इंसान का पूरा काम कर दूं और ये इंसान मुझे क्या नाम है उसका बदले में कुछ ना दे या कुछ मतलब अपने वर्ड्स पे ना रहे, तो क्या हो जाता है कि ट्रस्ट ब्रीच होना शुरू हो जाता है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ट्रस्ट पे मतलब होना जरूरी है, जब प्राइवेट रिलेशन में जब ट्रस्ट सीखते हो वो आपका होना जरूरी है, ताकि आप पब्लिक रिलेशन में भी आप ट्रस्ट वर्दी भी बनो और आप दूसरों पर भी ट्रस्ट कर सको। तो प्राइवेट रिलेशन में अगर आप ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट वर्दी रहोगे या आप ट्रस्ट दूसरों पर कर पाओगे, तभी पब्लिक रिलेशन में वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सी रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो पब्लिक रिलेशन हो चाहे वो प्राइवेट रिलेशन हो। अगर प्राइवेट रिलेशन के अंदर अगर पेरेंट्स भी अगर आपस में आप करके, या मैंने मतलब काफी देखा है कि मतलब इवन माय फादर, जब से मैं बड़ी हुई हूँ वो मुझे आप करके ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं काइंड ऑफ रिस्पेक्ट शो करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा है छोटा है ये करके, कि हम एक रिस्पेक्ट से बात करते हैं, वो हमारे फिर बिहेवियर में आ जाता है रिस्पेक्ट का होना। ठीक है, अगर आप जोर जोर से बात कर रहे हो, बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है आपको पता नहीं लगता, लेकिन पब्लिक रिलेशन में भी क्या होता है कि एक बॉस जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज पे चिल्ला देता है, क्योंकि उसके बिहेवियर में वो चीज एस्टेब्लिश हो गई है। ठीक है, तो प्राइवेट रिलेशन के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, एक काइंड ऑफ सर्टेनिटी की कितना लिमिट में किस तरह से बिहेव करना है वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस की। देखिए, टॉलरेंस क्या होती है, किसी हद तक किसी के डिफरेंसेस पे रिस्पेक्ट करना, कि मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, उसके थॉट्स अलग है आपसे, ठीक है, आपके थॉट्स अलग है, उस सामने वाले इंसान के क्या थॉट्स अलग है, ठीक है, तो टू पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स, ठीक है, तो अब इन थॉट्स को क्या है, अगर ये थॉट्स अलग है तो या तो आप उस पर जोर जोर से चिल्ला लो, या आप आर्ग्यूमेंट करो, या आप उस मतलब उस सिर्फ उस थॉट प्रोसेस पे दोस्ती को तोड़ दो। देखो, हर इंसान जो होते हैं वैरायटी वैरायटी के होते हैं, वी ऑल आर डिफरेंट, ठीक है, तो हमें क्या है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ती है। अपने बोलते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ का कैसा हस्बैंड चाहिए भाई, अंडरस्टैंडिंग हो, कैसी वाइफ चाहिए भाई, अंडरस्टैंडिंग हो। तो मतलब जो मेरा, अगर मैं फेमिनिस्ट हूं तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, या मेरे कोई लाइफ के ट्रॉमाज हैं, मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, या फिर मेरे जो प्रेजेंट लाइफ ट्रॉमाज हैं, उनको वो समझे और वो बोले कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, इट हैपन विद ह्यूमन, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, तो वो ट्रोमास को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है, ना कि उस चीज को मेंटल इनस्टेबिलिटी बोल के डिस्कार्ड कर दे। ठीक है, तो वो चीज क्या है, हम अपने प्राइवेट रिलेशंस में वो चीज मतलब एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, एक्सेप्टेंस, कि हम जैसे भी हैं हमें एक्सेप्टेंस मिले, कि जिस ट्रोमा से हम निकल के आए हैं हमें उसमें उसके साथ हमें एक्सेप्ट करे, ठीक है, एंड देन हमें हील करने में हेल्प करे। ठीक है, और टॉलरेंस क्या होती है कि अगर मैं फेमिनिस्ट हूँ और मुझे फ्रीडम मुझे अपनी पसंद है, और उसके सामने की फैमिली कंजर्वेटिव है, दे डोंट लाइक कि उनकी जो बहू है वो कुछ काम करे या और करे, और मुझे फ्रीडम पसंद है, तो वो उस चीज की कुछ हद तक वैल्यू करे, जो मेरी वैल्यूज है उसको टॉलरेंस रखे कि ठीक है इनकी ये वैल्यूज है। जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शी इज मुस्लिम, ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यू सिस्टम है कि वो मेरे साथ ठीक है, शी शी ऑलवेज एकम्पनी इन मंदिर, कि ठीक है कि हाँ मैं तेरे को मंदिर में एकम्पनी करूंगी, और मैं भी जो कभी कभार वो चीजें बोलती है, ठीक है, जो मतलब जो अरेबिक चीजें वो बोलती है, मैं भी वो सीखने की कोशिश करती हूँ, तो समवेयर हम दोनों में वो एक दूसरे के कल्चर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, और वी ट्राई टू इम्बाइब ईच अदर कल्चर समवेयर। ठीक है, टॉलरेंस किस बेस पे आ जाता है, कि जब इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम जैसे जो आपको पता है कि रोज नए टॉपिक शुरू हो रहे हैं, तो समवेयर वी ऑल्सो वी बोथ सिट टुगेदर एंड वी डिस्कस अबाउट इट,
तो कहीं ना कहीं वो भी टॉलरेंस रखती है मेरे जो व्यूज होते हैं, और उसके जो व्यूज होते हैं उसके लिए मैं भी टॉलरेंस रखती हूँ, ठीक है। दिस टॉलरेंस एंड देन एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्राइवेट रिलेशनशिप, और फिर पब्लिक रिलेशनशिप में भी आपका टॉलरेंस आप में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप प्राइवेट रिलेशनशिप में, जब क्योंकि देखो पब्लिक रिलेशनशिप में भी होगा कि आपका प्रोजेक्ट पे काम करने का तरीका अलग है, आपके बॉस हैं उनका मतलब काम बताने का तरीका अलग है, बिकॉज आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो आपको अपने बॉस को कन्विंस करना आना चाहिए कि आई नो कि मुझे कितना क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, अगर मैं कोई भी चीज ढंग से नहीं करती हूँ तो वो उसमें बच्चों का लॉस है। तो वो आपको को कन्विंस पावर होनी चाहिए टू कन्विंस योर बॉस कि नो इट्स वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप आर डायरेक्टेड बाय इंडिविजुअल वर्च्यूज, जो इंडिविजुअल, देखिए अगर मैं लायर हूं तो क्या होगा कि मेरे प्राइवेट रिलेशनशिप में वो चीज क्या होती है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि ये तो हमेशा झूठ बोलती है, हो सकता है आगे झूठ बोल रही हो। और झूठ बोलने की आदत ऐसी होती है कि आप अगर प्राइवेट रिलेशनशिप में झूठ बोल रहे हो तो वो पब्लिक रिलेशनशिप में भी वो चीज दिखेगी, ठीक है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज यूनिवर्सल, मैंने क्या बताया था कि जो किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती, ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटीग्रिटी, गुडनेस, ठीक है, ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज होती है। रिलीजन, हम रिलीजन को क्या करते हैं, मैंने बोला था कि एक्सेप्टेंस होती है कि दूसरे रिलीजन के रिस्पेक्ट करना या उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि मैं इसी ऑफिस में काम कर रही हूँ तो अगर मेरा जो भी रिलीजन है तो उसके लिए कोई इंसान कम से कम कमेंट ना करे, ठीक है, कि अरे ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो वैसा करते हैं। अगर मान लीजिए कि वहां पे बहुत सारी माइनॉरिटीज भी है, मतलब वहां पे बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी भी है, उनको वो चीज मेरी अटपटी लगे कि हम स्टोन की पूजा कर रहे हैं, तो वो उनको वो चीज एक्सेप्टेंस नहीं हो, और वो इस चीज पे बोलना शुरू कर दीजिए, मतलब कर दे मान लो कि मेरे पब्लिक रिलेशन में, तो फिर क्या होगा, फिर मुझे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वो चीज हैंडल करने की कोशिश करती हूँ, तो पब्लिक रिलेशन में भी मैं थोड़ा और फॉर्मल उस चीज को हैंडल करने की कोशिश करूंगी। सोशल नॉर्म्स, देखिए सोशल नॉर्म्स जो होती है, ऑब्वियसली हमारे सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, कि जैसे मैं एक छोटे शहर से हूँ तो वहां पे मैं शॉर्ट्स पहन के बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि एक काइंड ऑफ सोशल नॉर्म्स है वहां पे। तो वहां पे मतलब लड़के भी ज्यादा ज्यादातर शॉर्ट्स पहन के बाहर इतना नहीं घूमते, और लड़कियां भी नहीं घूमती है, और जबकि जयपुर में आती हूँ तो इट्स वेरी समथिंग वेरी कॉमन। तो प्राइवेट रिलेशन में भी ये होता है कि थोड़ी बहुत सोशल नॉर्म्स है, हम उनको निभाते हैं कि ठीक है, लाइक माई फादर मतलब डोंट वॉन्ट कि अगर ऊपर हमारे किराएदार रहते हैं तो मैं उनके सामने शॉर्ट्स पहनूं, तो ठीक है हम थोड़ा सा अपने पेरेंट्स की बात मान लेते हैं, उनको ऐसा है कि 8 या 9 बजे से पहले मैं घर आ जाऊं तो मैं उनकी वो वाली बात मानती हूँ और उस चीज की रिस्पेक्ट भी करती हूँ। और यहाँ पे उन्हें जयपुर में पता है कि मुझे 10 से 11 भी बज सकते हैं घर आने में, तो समटाइम आई कॉल देम कि मैं आज रात को मैं लेट हो जाऊंगी, 10 11 बजे तक मैं आ पाऊंगी, फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, तो दे रिस्पेक्ट दैट कि हाँ ठीक है। वो सोशल नॉर्म्स क्या करती है, वो भी मतलब जगह के हिसाब से वैरी करती है, टाइम के हिसाब से भी वैरी करती है, क्योंकि पहले की लड़कियों को 6 बजते ही अंधेरा होते ही घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन अभी क्या होती है, टाइम चेंज हो गया। तो प्राइवेट रिलेशंस के अंदर क्या होती है, वो चीजें जो होती है, सोशल नॉर्म्स जो होती है वो अलग होती है, और एथिकल नॉर्म्स जो हमारे पब्लिक रिलेशन में होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। लॉ ऑफ लैंड, उस पर भी डिपेंड करता है कि किसी किसी लैंड पे कौन सा लो है, ठीक है, वो हमारे प्राइवेट रिलेशंस पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे अमेरिका ने बोला है कि अबॉर्शन आप नहीं करवा सकते किसी भी कंडीशन में, तो ऑब्वियसली उनके जो प्राइवेट रिलेशंस होंगे, जो जो वहाँ की औरतों के जो प्राइवेट रिलेशंस होंगे उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, और पब्लिक रिलेशंस के साथ साथ प्राइवेट रिलेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर ऐसे, एक तो मैंने बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो काफ़ी चीज़ों का आपको पता लगेगा कि हम कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। और मैं ये कहूंगी कि जितने मैक्सिमम आपके अपनी लाइफ के एग्जाम्पल होंगे ना, जितने देखो सबके लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, अब आप इतने बड़े हो गए हो, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, यू हैव, कुछ लोगों ने जॉब्स कर लिया, जैसे मैंने बहुत सारी मल्टीपल जॉब्स किए, मैंने मतलब एमएनसीज में काम किया है, मैंने उससे पहले ऑफलाइन बहुत सारी क्लासेस में पढ़ाया है, तो फिर क्या है, ये मेरा एक्सपीरियंसेस है, मैं बहुत तरह के लोगों से मिली हूँ और मुझे पता लगा है कि ठीक है इस तरह से लोगों से डील किया जाता है और ये इस तरह से चीजें होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने उन उन एक्सपीरियंसेस को अपने एग्जाम में डालना है, दैट वुड बेनिफिट यू। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप, देखो लीडिंग टू गुड लाइफ
ऑब्वियसली अगर कोई मुझे केयर करने वाला नहीं होगा, ठीक है, मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होगा, मुझ पे कोई ट्रस्ट करने वाला नहीं होगा, या मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, या कोई म्यूचुअल एक्सेप्टेंस करने वाला नहीं होगा, टॉलरेंस वाला, जैसे कभी कभार किसी चीज पे मुझे गुस्सा आ जाता है, जैसे कोई चीज बहुत वैसी होती है और मुझे गुस्सा आ जाता है कि तो कहीं ना कहीं माई फादर एक्सेप्ट दैट कि ठीक है ये चीज इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और इस चीज पे इसका गुस्सा भी जाया जाए कोई बात ना, तो कभी कभी उन्हें गुस्से को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजें होगी हमारे रिलेशनशिप में तो एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं ना कि जैसे त्योहार आते हैं तो त्योहार क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारी सारी फैमिली गैदरिंग होती है, हम सब लोग मस्ती करते हैं उसके अंदर, ठीक है, और एक दूसरे के जो म्यूचुअल डिफरेंसेस होते हैं अगर हमको प्रॉपर एथिकल है उनको अगर हम अच्छे से ठीक मतलब ठीक से उसको हम डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहे हैं तो फिर क्या होगा, लाइफ क्या हो जाएगी, अच्छी लाइफ हो जाएगी। कहते हैं ना कि अच्छी लाइफ पैसों से नहीं अच्छे रिलेशन से होती है, ठीक है। राइट डिसीजन मेकिंग, देखिए जब क्या होता है कि फैमिली में आप लाइक आई एम एल्डर चाइल्ड, ठीक है, तो घर में जब लाइक अभी क्या है कि पेरेंट्स इतना नहीं सोच पाते कि कोई रिश्तेदार के बच्चे आ रहे हैं उनको किस तरह के गिफ्ट चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने क्या कर दिया था, हमें पैसे देके, हमें पॉकेट मनी देके थोड़ा सा हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना शुरू कर दिया था कि देखो एक हफ्ते की पॉकेट मनी तुम्हारी 50 रुपीज है, अभी 50 रुपीज में तुम्हें कितना सेव करना है, कितना तुम्हें यूज करना है इन पैसों को, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने क्या किया था, वो सारी चीजें मुझे बचपन में सिखानी शुरू कर दी थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब मेरे को इतना मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि जब भी मुझे लाइक मैं मेरी स्कूल में भी पॉकेट मनी थी, मेरी कॉलेज में भी पॉकेट मनी थी, तो जब मैं जॉब कर रही होती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं डिसाइड कर लेती हूँ कि इस मंथ मुझे कपड़ों पे कितना स्पेंड करना है, इस मंथ मुझे कहाँ कितना स्पेंड करना है, क्योंकि बचपन से ही वो सारी चीजें मुझमें सिखा दी गई थी, ठीक है। तो वो जब एक अच्छी वैल्यूज हमें एथिकल प्राइवेट वैल्यूज एस्टेब्लिश होती है तो हम सही डिसीजन ले पाते हैं। ये तो मैं एक डायमेंशन की बात कर रही हूँ मनी मैटर की, बाकी और भी आपको कितना टाइम, आपको वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करनी है, आपको अपने फैमिली के साथ टाइम कैसे बैलेंस करना है, वो सारी चीजें हम प्राइवेट रिलेशंस में सीख जाते हैं, ठीक है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैसे कि करेक्टर डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि किसी इंसान के लिए लॉयल्टी रखना, किसी इंसान का ट्रस्ट मेंटेन करके रखना। तो पेरेंट्स को अगर बच्चों के साथ फ्रेंडली होते हैं ना तो बच्चे झूठ नहीं बोलते, ज्यादातर मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, मतलब इवन इन माय कॉलेज टाइम, तो जो गर्ल्स के पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे एक पर्टिकुलर ड्रेस को लेके कि वो सूट के अलावा कुछ नहीं पहनेगी, सिर्फ सूट ही पहनेगी, मतलब जींस एंड ऑल शी वॉज नॉट अलाउड, लेकिन यहाँ पे दूसरे लोगों को आके उसे ऐसा लगा कि ये लड़कियां पहन रही है तो मैं चुपके से वो मतलब जींस खरीद लेती थी और घर पे किसी भी तरह के झूठ बोल के कि मुझे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, कुछ चाहिए, जींस एंड ऑल खरीद लेती थी, लेकिन जब जैसे उसके पेरेंट्स आते थे वो सारे जींस का बैग हमारे रूम में छुपा के चली जाती थी। क्यों? क्योंकि उसे झूठ क्यों बोलना पड़ रहा था, उसके पेरेंट्स को उस पर ट्रस्ट नहीं था और उसके पेरेंट्स ने उसके साथ कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखा, जनरेशन गैप को इतना हाई रखा और इतना इतना रिजिड रहे अपने वैल्यूज को लेकर कि अपने चाइल्ड के साथ में एक वो म्यूचुअल ट्रस्ट वाला रिस्पेक्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला रिलेशन बना ही नहीं पाए। मतलब उसके फादर तो ऐसे थे कि पूरे कॉलेज के बीच में भी उसे थप्पड़ लगा सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजों ने क्या कर दिया, उसे एक लायर इंसान बना दिया और वो ट्रस्ट ब्रीच करने लगी। जब आप एक जगह ट्रस्ट ब्रीच करने लग जाते हो ना तो यू बिकम डिसलॉयल इन एवरी रिलेशन, ठीक है। और यही आपका कैरेक्टर शो करता है। कैरेक्टर क्या होता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जब आप मान लीजिए कि अगर आप मतलब ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, अगर आप लॉयल्टी ब्रीच करते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, दैट कैरेक्टर इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड इन दैट पर्सन, ठीक है। तो फिर क्या होता है, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होती है करेक्टर में वो होती है लायर, ठीक है। तो अगर आप अपनी फैमिली में देखते हैं कि हम किस तरह से हमारे पेरेंट्स अगर हमसे फ्रेंडली हैं, ठीक है, हमारी मम्मा पापा से कभी झूठ नहीं बोल रही है, या पापा और मम्मी का जो रिलेशन है बहुत ज्यादा ट्रस्ट पे बेस्ड है, तो वो अपने आप हमारा करेक्टर इम्बाइब होने लग जाता है और स्ट्रांग होने लग जाता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एथिकल चीज में कि कैरेक्टर, मतलब कहते हैं ना कि इंसान मर जाता है या इंसान चला जाता है लेकिन पीछे उसकी वैल्यूज, उसकी इमेज, उसकी कैरेक्टर मतलब रह जाता है। कि जैसे माय ग्रैंडफादर वाज काइंड ऑफ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा डोनेशन में बिलीव करते थे, बहुत ही जनरस थे। मतलब सीरियसली अभी भी होता है कि मैं मंदिर जाती हूँ कभी तो वहां जो बड़े बुजुर्ग आते हैं वो मुझे मतलब बिकॉज ऑफ माय फादर और लाइक मदर से काफी फेस मिलता है, मुझे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अच्छा तुम तो खत्रियों की बेटी हो, और देन दे स्टार्ट कि यार तुम कि बेटा तुम्हारे तो दादाजी इतने बड़े वो ये थे और वो लोगों की ऐसे हेल्प करते थे, वो वैसे हेल्प करते थे, तो आई फील काइंड ऑफ प्राउड क्योंकि उनका जो कैरेक्टर था, एक जो डोनेटिंग कैरेक्टर था, जो लोगों के साथ उन्होंने ट्रस्ट
मेंटेन कर रखा था, जो एक गरीब के साथ में, अमीर के साथ में, हर तरह के लोगों के साथ में उन्होंने जो रिलेशनशिप मेंटेन कर रखा था, वो उनके जाने के बाद भी आज भी लोग 12 साल बाद भी याद करते हैं कि वो उस तरह के इंसान थे। ठीक है, तो जो आपकी फैमिली में जो आप डेवलप करते हो ना, प्राइवेट में जो रिलेशन आप डेवलप करते हो, वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है। अगर अच्छी एथिकल वैल्यूज होगी तो अच्छा कैरेक्टर बिल्ड होगा। ठीक है, एथिकल लेसंस फॉर चिल्ड्रन, जैसा पेरेंट्स बिहेव करते हैं वो चीजें ऑलरेडी हमें आने लग जाती है। हमारे पेरेंट्स अगर चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं लगता, हम भी तेज आवाज में बात करने लग जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वैसा बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, अगर हम घर में ऐसा एनवायरमेंट होता है, एक दूसरे की चुगलियां हो रही होती है, जैसे मम्मियां करती है कि बेटा तेरी तो बुआ ऐसी है, पापा कहते हैं कि बेटा तेरी तो मासी ऐसी है, तो हमें पता नहीं लगता, पर अनोइंगली हम भी इस तरह के चुगलखोर और निट पीकर और मतलब इस तरह के इंसान बन जाते हैं, अनोइंगली बन जाते हैं। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड जो चाइल्ड का डेवलप होता है वो अपने बड़ों को देख कर होता है। काफी बच्चे मैंने देखे हैं जो कि जिनको बचपन से हॉस्टल में डाल देते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ काफी मतलब उनका कोल्ड बिहेव होता है। ठीक है, और वो सबके साथ में काफी ऐसे लगता है कि बहुत फॉर्मेलिटी से रिश्ते चला रहे हैं, कि ठीक है जिसको जैसा अच्छा लग रहा है उससे बस वैसे बात करते हैं, उनके रिलेशन में ऑथेंटिकेशन नहीं होती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस फॉर्मल मतलब एरा में डेवलप हुए होते हैं, उस फॉर्मल में बने हुए होते हैं। तो जो एनवायरमेंट होता है ना, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। ठीक है, एक्सेप्टेंस इन पब्लिक लाइफ, देखो पब्लिक लाइफ के अंदर एक्सेप्ट होने के लिए आपको, देखो एक तो सोसाइटी के जो कुछ नॉर्म्स है आपको उनको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अगर मतलब पब्लिक लाइफ है उसमें आपको एक्सेप्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इंसान को मतलब कुछ सोशल नॉर्म्स को वैल्यू करना पड़ता है ना, कि जैसे हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स हैं। ठीक है, द पर्टिकुलर ड्रेसिंग, ठीक है कि एक इंसान का ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए। अब जैसे जैसे हमारे वहां पे शादी है, तो ऐसा तो नहीं कि छोटी मंडी की शादी में मैं एकदम से बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहन के चली जाऊं, शॉर्ट टॉप और ये सब नहीं, मैंने तो ये थ्री पेज पार्टी में देखा था, ये तो बहुत फैशन में है। नहीं, हम तो ना सोशल नॉर्म से क्या होता है, हम एक्सेप्टेबल बनते हैं। जो कपड़े मैं खुद को समझ रही हूँ कि दे आर लाइक वेरी वाओ, और वो ही कपड़े वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो क्या होगा कि मैं चाहे कितने भी सुंदर लग जाऊं खुद में, लेकिन अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो मुझे भी फील होगा कि पीपल आर नॉट कनेक्टिंग विद मी, वो मुझसे अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है, तो सोशल नॉर्म्स कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्टेबल बनाती है सोसाइटी में। ठीक है, और अगर हमारे हम प्रॉपर वैल्यूज को लेकर चल रहे हैं, तो चलो कपड़ों की बात छोड़ो, अगर इंसान बात बात पे झूठ बोलता है तो उसके लोग दोस्त नहीं बनेंगे। अगर आपका बॉस है, जो तो मैं चलो प्राइवेट पब्लिक रिलेशन की बात कर लेती हूँ, कि अगर आपका बॉस है, अगर वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, अपने वर्ड्स पे नहीं रहता, तो आप उस पर क्या करोगे, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में खुद को सही नहीं पाओगे। ठीक है, तो फिर वो चीज क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा कि मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर आप पे लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फैमिली पे लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आप लोगों से कटने लग जाएंगे। अगर आपका बिहेवियर स्वीट नहीं है लोगों से, अगर आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हो, किसी के काम नहीं आ रहे हो, और आप रूड हो लोगों से कहीं ना कहीं, तो आपके वो जो मतलब आपकी जो पब्लिक लाइफ में एक्सेप्टेंस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, नाउ विल डिस्कस एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप। ओके सो एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप, अभी वी हैव हाफ एन मोर, एंड उसमें हम पब्लिक रिलेशनशिप में एथिक्स से शुरू करते हैं, और उसके बाद मैं रिलेशनशिप बताऊंगी, एंड देन विल डिस्कस द कंसेप्ट। ओके, तो पब्लिक रिलेशनशिप में जो एथिकल वैल्यूज होती है, मॉरल वैल्यूज होती है, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रैक्शन एंड इन बिजनेस डीलिंग थिंग। ठीक है, फिर सर देखो एक चीज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है, कि जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखो ना, तो हिज और हर का यूज करना, हिज स्लैश हर, है ना, क्योंकि एक लड़की है वो भी बिजनेस वुमेन हो सकती है, एक लड़का है वो भी बिजनेसमैन हो सकता है। तो अगर आप ओनली हिज यूज करोगे ना, तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, वो ये शो करेगा कि ये सिर्फ एक मैन को कंसिडर कर रहा है, ये कर रही है कि एक मैन है वही ये काम कर सकता है, क्या एक औरत बिजनेस नहीं चला सकती। तो इस तरह की चीजों का आप पे इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके मार्क्स पे। तो प्लीज ये हिज और हर जैसे मैंने लिखा है आपके नोट्स में, आपके वो चीज आपके आंसर राइटिंग में आनी चाहिए। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बिल्डअप होंगे। ठीक है, इन हिज और प्रोफेशनल लाइफ एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन आर गवर्न्ड बाय पावर।
पब्लिक रिलेशन में जो एथिक्स है वो किससे मतलब गवर्न होते हैं, पावर से गवर्न होते हैं। कि जैसे आपके बॉस हैं उनके हाथ में ऑब्वियसली आपसे ज्यादा पावर होगी। अगर आप मान लीजिए कि आपका जो आरएस डिपार्टमेंट है, अगर आप उसके हेड बन जाओ तो आपके जो नीचे जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा पावर आपके पास होगी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो आपका पब्लिक लाइफ होता है ना वो मोस्टली पावर से गवर्न करता है, ठीक है। उसमें एक हाथ, एक इंसान के हाथ में ज्यादा पावर होती है। जैसे घर में क्या होता है कि पावर डिवाइडेड हो जाती है टाइम के साथ में, ठीक है। कि जैसे हम चाहे बड़े भाई बहन हो चाहे छोटे भाई बहन हो, अगर रिमोट के लिए झगड़ा है तो ऐसा नहीं कि बड़ा भाई अपनी डोमिनेशन चलाएगा। पर्टिकुलर मम्मी टाइम फिक्स करेगी कि 1 घंटा टीवी तुम देखोगे, 2 घंटे, 1 घंटा टीवी ये देखेगा, और इनके टाइम पे तुम नहीं आओगे, उनके टाइम पे तुम नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं है कि वो बड़ा है तो उसको सारी पावर दे दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल ज्यादा है, वो केयरिंग शायद ज्यादा होगा, तो उसको कुछ चीजों में एडवांटेज हो सकता है कि आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, चीजों को डिवाइड कर देते हैं कि नहीं बेटा आपको इस तरह से बिहेव करना है, आपको इतना टाइम आपको रिमोट चलाने का मिलेगा, इतना टाइम आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अगर आपकी पोजिशन बड़ी है तो ऑटोमेटिकली वो इंसान के हाथ में ज्यादा पावर आती है। तो पब्लिक डीलिंग, इंट्रैक्शन, प्रोफेशनल डीलिंग्स, वो सारे क्या करते हैं, आपके एथिकल पब्लिक रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कोर वैल्यूज इसमें क्या क्या आती है, एडवोकेसी, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, एक्सपर्टीज, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, एक्सेट्रा। देखिए कोर वैल्यूज का इसमें कैसे यूज हो रहा है मैं बताती हूँ पब्लिक रिलेशन में। एडवोकेसी, एडवोकेसी मतलब कि आप अपनी बात को रखना जानते हो। कि जैसे अगर मैं मानती हूँ कि आपके जो, अगर मैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट करवाना है तो मुझे इतना टाइम लगेगा आपका सब्जेक्ट कंप्लीट करवाने में, तो इफ योर बॉस सेज कि नहीं आपको इतना टाइम नहीं लेना है और अगर आपको इतने ही टाइम में करवाना है, तो आई शुड हैव दैट यू नो थिंग इन मी कि मैं उनको कैसे समझाऊं कि अगर मैंने इतना कम टाइम लिया तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं ज्यादा डिस्कस ना कर पाऊं और कल को वो एग्जाम में आ जाए तो बच्चों को हर्ट होगा, ठीक है, उनका 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 लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर क्या है, एडवोकेसी मतलब खुद के पॉइंट को रखना। पब्लिक रिलेशन में बहुत बार ऐसा आ जाता है कि म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, सामने वाला को आपको अपनी बात समझानी पड़ती है, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं अपने काम से ऑनेस्ट नहीं होंगी तो सबसे बड़ा नुकसान तो किड्स को तो होगा ही होगा, और कहीं ना कहीं बॉस को वो चीज रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी कि द वे आई एम पेइंग द पर्सन इज नॉट वर्किंग, तो फिर वो जो ऑनेस्टी होगी वो ब्रीच हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मेरे काम के प्रति ऑनेस्ट होना जरूरी है, उनका उनके काम के प्रति ऑनेस्ट होना जरूरी है, तो बॉस का और एम्प्लॉयज का, सबका अपने अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होना जरूरी है, और तभी वो प्रॉपर ऑनेस्ट आउटपुट दे पाते हैं, ठीक है। सेल्फलेसनेस, देखिए अगर मैं कुछ टीचिंग कर रही हूं मान लीजिए, तो अगर मुझे 1 आवर दिए गए हैं, ठीक है, और आई एम बीइंग पेड फॉर द 1 आवर ओनली, लेकिन मैं कभी कभार क्या करती हूँ कि किसी क्लास को मतलब ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए ये ज्यादा पॉइंट्स देती हूँ कि कोई बच्चा है ज्यादा एग्जाम्पल से समझे, तो मैं उस क्लास को 1.5 घंटे भी खींच के ले जाती हूँ, 1.25 घंटे भी खींच के ले जाती हूँ, हालांकि आई एम बीइंग पेड ओनली फॉर 1 आवर। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर है कि आई गिव द बेस्ट टू माई स्टूडेंट्स, कि वो अगर कोई चीज को, अगर वो मेरी क्लास को एक बार देखे तो दे शुड बिलीव कि हाँ हमें एक एक चीज समझ में आ रही है, हमारा कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है, दैट इज सेल्फलेसनेस। एंड एक्सपर्टीज, ऑब्वियसली अगर मुझे मेरे सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होना जरूरी है तभी मैं अपना जो सब्जेक्ट का जो मतलब रियल में एक्चुअल में सामने वाले को ठीक से समझा पाऊंगी, ठीक है। ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब जैसे मैं इंदिरा गांधी का एग्जांपल देती हूँ, 1971 के अंदर जो वॉर था, तो सैम मैक्शो एक बंदे थे जो, सॉरी मतलब वहां के चीफ थे, अपने हमारे मतलब चीफ थे, आर्मी चीफ थे, तो उनको इंदिरा गांधी ने बुलाया कि चलो वॉर शुरू करते हैं, तो ही सेड कि नो मैम वॉर हम नहीं कर सकते, हमारी आर्मी प्रिपेयर नहीं है। तो उन्होंने एकदम से ब्रूटली बोल दिया, ऐसा ऐसा नहीं है कि सीएम है तो मैं बोल नहीं सकता, उन्होंने बोला कि यू डोंट हैव एक्सपर्टीज इन दैट, ठीक है, आप सीएम हो, आपका अलग डोमेन है, पब्लिक डोमेन आपका अलग है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी,
कि अगर मैं अभी वॉर कर देता हूं तो हम वॉर फॉर श्योर हार जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि कल को पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए यूएसए आ जाए, और ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। तो इंदिरा गांधी ने फिर क्या किया था, रशिया के साथ फ्रेंडली पैक्ट किया था, क्योंकि जो सैम मतलब मैक्श्योर थे उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन हो सकती है। तो ही वॉज वॉट, ही वॉज ट्रांसपेरेंट टू हिज वर्क एंड ही वॉज वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट। तो अगर वो उस टाइम ऑनेस्टी नहीं दिखाते तो हो सकता है कि 1971 का वॉर हम हार जाते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी में मैं आपको एग्जांपल दूंगी शास्त्री जी का। तो जब 1956 के अंदर मेजर जो एक्सीडेंट हुआ था, रेलवे एक्सीडेंट, उसमें 112 लोगों की डेथ हो गई थी, तो शास्त्री जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था रेलवे मिनिस्ट्री के पोस्ट से। उन्होंने बोला था कि ये एक्सीडेंट हुए हैं और मैं इसके लिए खुद को अकाउंटेबल मानता हूं। तो वो होती है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, देखा जाए तो ना तो इंजन उनके हाथ में थे, लेकिन ना कोई और। वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं अगर प्रीमियम सुपरवाइजर हूं और अगर मेरे सुपरविजन में भी अगर ट्रेन अच्छे से नहीं चल पाई तो मैं मानता हूं कि 112 लोगों की डेथ मेरी वजह से हुई और मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूं। तो वो रेजिग्नेशन देना मतलब वो अकाउंटेबिलिटी लेना, मतलब होता है ना कि लोग इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, हम क्या करें, हमने थोड़ी एक्सीडेंट करवाया था, हमने थोड़ी कुछ किया था। अरे भाई, आप प्रीमियम ऑफिसर हो, ठीक है, आप प्रीमियम लीडर हो, अगर आपके अंडर में कुछ ऐसी चीज होती है तो कहीं ना कहीं आप अकाउंटेबल हो। ठीक है, फेयरनेस, ऑब्वियसली कि अपना काम है जो भी है पूरी फेयरनेस से करना है, पूरे पूरे जस्टिस से करना है। अभी अगर आप पब्लिक रिलेशन में हो तो ये आपका फर्ज बनता है कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको 10 पॉइंट अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं तो पूरे 100% उस काम के साथ मुझे जस्टिस करना है, बिकॉज इट इज इन योर बेनिफिट। ठीक है, देयर नेसेसिटी टू गाइड ह्यूमन एक्शन। और फिर क्या आता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होती है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ठीक है, जो आपने बोला है आप उसको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, फिर आपकी बात आती है एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप। तो एथिकल बिहेवियर मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या क्या एथिकल नॉर्म्स होने चाहिए, मैंने बोला और प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि आपने जो भी एथिकल नॉर्म्स आपके इंस्टीट्यूट के हैं उसको आपको, जैसे आपके इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि 9 बजे आपको पहुंच जाना है, तो 9 बजे किसी भी हालत में आपको पहुंचना है, दैट्स योर ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद में डिस्क्लोजिंग पर्सनल इंटरेस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक पर्सनल गेन। मतलब क्या है कि पहले ही आप अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसको बता दो, कि जैसे मैं बता दिया कि मुझे एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है। तो मतलब क्या हुआ होगा कि बाद में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ताकि अराइज ना हो, बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से काम पेंडिंग रह गया या ऐसा कुछ हो गया, तो वो चीज बहुत जरूरी है। क्रिएटिंग अ मैकेनिज्म फॉर एनफोर्सिंग द रिलेवेंट कोड्स। जैसे एक कंपनी ने, जैसे मैं कॉग्निजेंट में जब काम करती थी तो वहां पे क्या होता था कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम था कि हमें फ्राइडे और सैटरडे को ही इनफॉर्मल पहन सकते थे, बाकी थर्सडे तक, मंडे टू थर्सडे हमें फॉर्मल पहनना जरूरी होता था, राइट। तो उसमें भी ये एक नॉर्म था कि हमें जींस पहनना अलाउड नहीं था। ठीक है, तो इधर हम लोग सूट कुर्ती पहनते थे, हम लोग कुर्ती पहनते थे या हम पैंट्स पहनते थे, तो फ्राइडे और सैटरडे को ही हम लोग जींस पहनते थे। तो वो कंपनी ने क्या थे, कोड्स बना रखे थे, तो उन कोड्स को लाइक फुलफिल करवाने के लिए वहां पे हमारे 3 लोगों का स्टाफ बैठता था। ठीक है, और वो स्टाफ क्या है, पहले सुबह सुबह आपके बैग चेक करता था कि आप कौन से गैजेट वहां पे कंपनी के अंदर लेके जा रहे हो, कि कहीं आप कोई पेन ड्राइव तो नहीं लेके आ रहे, मतलब कहीं आप कंपनी का कोई डेटा लेने की कोशिश ना करो। ठीक है, और कुछ आपकी गैजेट सिस्टम के, आपकी पूरी सुबह सुबह चेकिंग होती थी, आपके बैग की चेकिंग होती थी। ठीक है, दूसरी चीज आपका यूनिफॉर्म चेक होता था, और उस हिसाब से आपके जो मतलब यूनिफॉर्म आज ऐसी है उसकी कंप्लेन आगे मैनेजर के पास जाती थी। तो वहां बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम था, तो जो भी आप अपने रिलेवेंट कोड्स बनाओ उनको इम्प्लीमेंट करवाने का एक स्ट्रिक्ट सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए स्टाफ होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड नॉर्म्स फॉर द क्वालिफाइंग एंड डिसक्वालिफाइंग पब्लिक फंक्शनरी फ्रॉम ऑफिस। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि अगर इंसान मेंटली स्टेबल नहीं है, अगर वो अगर प्रॉफिट ऑफ ऑफिस यूज कर रहा है, मतलब कि अगर मेंटली स्टेबल नहीं है, ठीक है, और जो मतलब कुछ ऐसा बिजनेस कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक पोजीशन पे रहते हुए, या अगर वो, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि मतलब कहीं ना कहीं वो इंसान
जो मतलब मिनिस्टर है तो उस चीज को अपने बिजनेस में यूज कर सकता है, अपनी पावर का अपने बिजनेस में यूज करके कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा मिल सकता है, तो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं होना चाहिए, इस तरह की कुछ डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। वैसे ही आपकी कंपनी में या कोई पब्लिक अगर आप अपनी कंपनी में देखे तो कुछ ना कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होगी, जैसे अगर आपने किड्स के साथ जस्टिस नहीं किया, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो हो सकता है कि आप डिस्क्वालिफाई हो जाओ। और अगर आपने आपकी अगर मतलब मान लीजिए कि अगर आप मतलब आपका बिहेवियर सही नहीं है अपने एम्प्लॉयज के साथ में, म्यूचुअल एम्प्लॉयज के साथ में, तो हो सकता है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है, तो एवरीथिंग मैटर्स। और या करप्शन लेते हुए पकड़े गए, मतलब सॉरी ब्राइब लेते हुए पकड़े गए, तो आपको डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ठीक है, अब आते हैं बात है मतलब नॉलन कमेटी की बात करते हैं। देखो नॉलन कमेटी जो क्या थी, ये यूके में एक कमेटी बनाई गई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे बिहेवियर होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो फर्स्ट इज सेल्फलेसनेस, ये मैं आपको बता चुकी हूं कि जैसे कोई इंसान है, जैसे इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, इंदिरा गांधी जी को बोला गया था कि मैम क्योंकि लोग अभी आप पे भड़के हुए हैं, जो भी चीजें गोल्डन टेम्पल में हुई है उसके बाद में, सो हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा ना संभल के रहें, थोड़ा सा आप ना ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है, कि मतलब क्योंकि अगर आप ना अपने जो आपने बॉडीगार्ड लगा रखे हैं ना, आपने अपने बॉडीगार्ड्स कौन से लगा रखे हैं, आपने अपने बॉडीगार्ड्स लगा रखे हैं सिख को, और सिख ही आपके दुश्मन हो रखे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मैंने इनको हटाया तो हो सकता है कि कम्युनलिज्म बढ़ जाएगा, लोग आपस में दंगे करने लग जाएंगे, कि इंदिरा गांधी को भी सिखों से डर लगने लग गया, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हूँ, इंदिरा गांधी को सिखों से डर लगने लग गया, तो हो सकता है कि बाकी के जो हिंदू है या मुस्लिम है वो सिखों से डरने लगे और कम्युनलिज्म सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो मैं नहीं चाहती, इसीलिए मैं इनको रहने दूंगी। और आपको पता है नतीजा क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनका जो प्रिंसिपल था सेल्फलेस होने का वो उन्होंने नहीं छोड़ा। तो दैट काइंड ऑफ सेल्फलेस इज नीडेड इन द पब्लिक रिलेशन। ठीक है, इंटेग्रिटी, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो आपने बोला है अपने वर्ड्स पे रहो, अगर आप अपने वर्ड्स पे नहीं रहोगे इंटेग्रिटी पे, इसीलिए बहुत बड़ा टॉपिक दिया गया है, उसमें मैं आपको टाइप ऑफ इंटेग्रिटी समझाऊंगी, उसमें मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। ठीक है, तो टाइप ऑफ इंटेग्रिटी क्या होता है, पर्सनल इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, ठीक है, वो सारी की चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इंटेग्रिटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मान लीजिए कि अगर आपने कह दिया कि इतने टाइम पे आपकी डेडलाइन है और आपको काम पूरा करना है, आपने अपने बॉस को कह दिया कि सर मैं इस डेडलाइन पे अपना काम पूरा करके आपको दे दूंगी, तो इट्स योर ड्यूटी टू डू दैट वर्क इन दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो आपको वो प्रैक्टिस करना है जो आप कह रहे हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि बिना प्रेजिडाइसिस के, ये बिना सोचे कि भैया ये तो मेरा भाई है जो कि मिनिस्टर लगा हुआ है, तो मैं तो सीएम हूं, तो मैं अपने भाई को करप्शन के केस में कैसे गिरफ्तार करवा सकता हूं। नहीं, आप जब एक पब्लिक रिलेशन में होते हैं, आप एक किंग पोजीशन पे होते हैं, तो आपका कोई भाई बहन वहां पे नहीं होता है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, मतलब जैसे गंगाधर, जैसे महाराज महाराज गंगाधर थे वो, गंगा सिंह महाराज, हाँ गंगा सिंह महाराज जो बीकानेर के महाराज थे, उन्होंने अपने बेटे को रेप केस में डेथ पेनल्टी दी थी, क्योंकि उनके बहुत उनके राज्य में ये चीज बहुत स्ट्रिक्ट थी कि औरतों के साथ कम से कम कोई भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, उनके बेटे ने रेप किया था तो उनको भी डेथ पेनल्टी दी गई थी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ओके, अकाउंटेबिलिटी, मैं आपको शास्त्री जी का एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि उन्होंने किस तरह से, जब इस तरह की चीज हुई थी तो उन्होंने क्या किया था, कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने क्या किया था कि नहीं, मैं अगर एक्सीडेंट हुआ है तो मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, और उन्होंने अपने मिनिस्ट्री से, रेलवे मिनिस्ट्री से मतलब रेजिग्नेशन दे दिया था। ओपननेस, मैंने आपको एम के शो का एग्जाम्पल दिया था, सॉरी सैम सैम मैक्सू का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने बहुत ट्रांसपेरेंट होते हुए उन्होंने जो भी पोजिशन थी, हो सकता है कि उस टाइम उनको चीफ आर्मी चीफ के पोजीशन से इंदिरा गांधी हटा सकती थी, लेकिन इंदिरा गांधी वॉज दैट अंडरस्टैंडिंग कि अगर आर्मी चीफ ये बात कह रहे हैं तो कोई ना कोई इसमें पॉइंट होगा, अगर वो कह रहे हैं कि मुझे 5 महीने का टाइम चाहिए तो द टाइम शुड बी गिवन टू दैट पर्सन। जैसे मुझे अगर बोला जाए कि ये जो क्लास है मैम आपको इतने टाइम में पूरी करवानी है, तो अगर मुझे पता है कि इससे बच्चों का लॉस हो सकता है तो मैं क्या करूंगी कि नहीं सर इससे बच्चों का लॉस हो सकता है तो यू शुड गिव मी सम मोर क्लासेस। ओके, तो वो मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उससे क्या हो सकता है, कि चिल्ड्रन का लॉस हो सकता है, बच्चों का लॉस हो सकता है, तो इसीलिए आई एम काइंड ऑफ ओपन एंड आई एम काइंड ऑफ वेरी ट्रांसपेरेंट इन माई वर्क। ठीक है, तो दैट शुड बी नीडेड, मतलब
ऑनेस्टी, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मुझे ये ऑनेस्टी होनी जरूरी है कि मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाऊं। कम से कम आपको जो मैं पढ़ा रही हूं उसमें एक भी चीज गलत नहीं हो, आपकी तरफ में जो मैं आपको चीज करवाई है उसमें कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं जाए, उसका मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। लीडरशिप, देखिए लीडरशिप की बात करते हैं हम यहाँ पे। आईपीएस ऑफिसर थी हमारी किरण बेदी, ठीक है। तो किरण बेदी के पास में ये बात जाती है कि मैम हमारी हिम्मत नहीं है, पर मैम की जो पर इंदिरा मैम की गाड़ी गलत पार्किंग लॉन में खड़ी है, तो उस हिसाब से उनकी गाड़ी सही जगह नहीं खड़ी है, तो आप उन पर पेनल्टी कर सकते हैं तो कर लीजिए, हमारी हिम्मत नहीं है। एंड आईपीएस उनकी, क्योंकि वो लीडर थी तो वो इतनी स्ट्रांग लीडर थी, उन्होंने बोला कि नहीं जो गलत है वो गलत है। उन्होंने इंदिरा गांधी जी की गाड़ी उठा के, और जितने वो जैसे पेनल्टी आपकी होती है ना कि आपकी गाड़ी इधर उधर खड़ी होती है तो वो पुलिस थाने में ले जाते उठा के, तो वो इंदिरा गांधी जी की गाड़ी उठा के पुलिस थाने में उन्होंने करवा दी। और ये बात बहुत ज्यादा उस टाइम फैल गई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने वो किया है जो मेरी ड्यूटी है, तो चाहे अगर सीएम गलत हो, चाहे अगर पीएम गलत हो, मुझे अपनी ड्यूटी करने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज व्हाट, दैट इज लीडरशिप। और जब इंदिरा गांधी जी को पता था 1971 के अंदर युद्ध होने वाला है, तो उस टाइम में जो उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई, एकदम से मतलब रशिया के साथ पैक्ट साइन किया, सैम मैक्स्यू के साथ में अंडरस्टैंडिंग बिठाई कि बंदा कह रहा है कि 5 महीने का हमें टाइम चाहिए वॉर करने का, तो उसको वो अंडरस्टैंडिंग बिठाई, वो जो लीडरशिप दिखाई वो लीडरशिप कमेंडेबल है। और उस तरह की लीडरशिप हम पब्लिक रिलेशन में क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके सो मैं आपको पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं। ओके सो इंपॉर्टेंस ऑफ द एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन, देखो मॉरल कंपास, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर मॉरल कंपास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी की गर्दन पकड़ के आप झगड़ा शुरू कर दो। अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो यू कांट डू दैट कि ठीक है आपने तो क्या कर दिया, आर्ग्यूमेंट में एक पर्टिकुलर नॉर्म्स होता है, एथिकल नॉर्म्स है, उसको ब्रीच करना शुरू कर दिया, दैट इज व्हाट नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एडवोकेसी, आप अपनी बात कह रहे हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कहनी है। अगर आपने कह दिया कि सर मैं 5 दिन के अंदर आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगा या करवा दूंगी, तो वो आपने रिस्पॉन्सिबल होकर कहनी है बिल्कुल कि आप वो करवा सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल एडवोकेसी है। अपनी बात को आपको रखना भी आना चाहिए कि आप एक टीचर पोजिशन पे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितनी क्लासेस में आपको अच्छे से सिलेबस करवाना है, तो वो आपको बात भी रखनी आनी चाहिए। दैट इज वॉट, दैट इज रिस्पॉन्सिबल एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। सोशल वेलबींग, देखिए अगर आपके पब्लिक रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होगी, अगर करप्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो हो सकता है कि उससे क्या होगा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट लोगों पर पड़ेगा, बट ऑब्वियस सी बात है। तो अगर लोगों पर ताकि इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए कम जो एथिक्स होना बहुत जरूरी है एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकली काम होगा तभी ऐसा होगा कि जैसे मतलब कि मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर सारे जितने भी पेंशन वाले लोग हैं उनकी फाइल क्लियर हो जानी चाहिए, गवर्नमेंट ने वो दे दिया ऑर्डर, उस ऑर्डर को कंप्लीट करना नीचे के जो एम्प्लॉयज है उनका काम, ठीक है। अगर वो उस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सोशल वेलबींग पे पड़ेगा, क्योंकि लोगों की पेंशन डिले हो जाएगी, लेट हो जाएगी, वो शायद उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई इनकम सोर्स नहीं है और वो पेंशन पे जी रहे हैं, तो सोशल वेलबींग इफेक्ट हो जाएगी अगर पब्लिक रिलेशनशिप में एथिकली जो एम्प्लॉयज है वो बॉस की बात नहीं मान रहे हैं तो, ठीक है। इफेक्टिव एंड बैलेंस डिसीजन मेकिंग, देखिए डिसीजन मेकिंग क्या है कि आपको क्या है, देखो जब आपको मैं एथिकल डिलेमा मैं पढ़ा चुकी हूँ, जब आपको एथिकल केस स्टडी बताऊंगी ना तो उसमें डिसीजन मेकिंग का बहुत वो आएगा। जैसे अभी मैंने कल पढ़ा था कि एक 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 पर्टिकुलर गांव है, राजस्थान का कोई गांव है, वहां पे सब लोगों ने एक औरत विधवा हो गई, वो बहुत अच्छी कुक थी, लेकिन जब वो विधवा हो गई तो सब लोगों ने मना कर दिया कि हम तो इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, तो अपशगुन ही है। कुछ होते ना पुराने टाइप के लोग होते हैं जो सुपरस्टिशियस होते हैं, खासकर गांवों में आज भी वो चीज है कि ये तो बच्चों, ये तो अपने मतलब पति को जिंदा नहीं रख पाई, अब उसमें उसकी क्या गलती, लेकिन तो इसकी इसकी जो मनुष्यत का इफेक्ट बच्चों पर पड़ेगा और बच्चे बीमार हो जाएंगे, उस तरह की बकवास बातें करने लगे। तो वहां के जो कलेक्टर थे खुद उस औरत के वहां पहुंचे और बच्चों के साथ बैठ के खाना खाया, और उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि मैं जब खा सकता हूँ मेरी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई मुझे कलेक्टर के पोजिशन से नहीं उठा रहा है, मैं इतनी बड़ी पोजिशन पे हूँ तो आपके बच्चों पे इसका क्या, क्यों गलत इफेक्ट होगा।
तो प्लीज आप इस तरह की बातें ना सोचिए। तो आप क्या करते हो, एक बड़ा डिसीजन लेते हो किस लिए, सोशल वेलबींग के लिए, ठीक है। क्रेडिबिलिटी टू ऑफ द ऑफिस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑफिस इंस्टीट्यूशन की ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, लोगों में ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए उनमें एथिक्स होने जरूरी है। अगर मान लीजिए कि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अगर बॉस है, वो अपने एम्प्लॉयज से ठीक से बिहेव नहीं करता, या अपने एम्प्लॉयज को मतलब टाइमली सैलरी डिलीवर नहीं करता, तो उसका क्या होगा कि मार्केट में फिर हो सकता है कि बाकी के लोग हैं वहां जाने से कतराएं, या इंसान है वहां पे मतलब अपनी सर्विस देने से कतराएं, ठीक है। तो वो क्यों होगा, क्योंकि उसने इंसान ने अपना इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी रिड्यूस कर दी है। जैसे ही आपका ब्यूरोक्रेसी है, तो अगर मान लीजिए कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोई कलेक्टर है, ठीक है, वो कई बार करप्शन करते हुए पकड़े गए और उनका बार बार इस करप्शन के कारण क्या हुआ, ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या होगा कि लोग उनके आते ही हो सकता है कि स्ट्राइक करने लग जाएं कि हमें ये कलेक्टर नहीं चाहिए, आप यहां से इसका ट्रांसफर कर दो, हमने तो बहुत इसकी बुराइयां सुनी है। तो वो क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी होती है एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी होती है, ट्रस्ट वर्थी रिलेशनशिप। बट ऑब्वियसली मैंने बोला कि एक बॉस और एम्प्लॉय में एक ट्रस्ट होता है, ठीक है, और लोगों के साथ भी ट्रस्ट मेंटेन करके चलना होता है, और अगर वो ट्रस्ट नहीं होता है तो वो इंस्टीट्यूशन का इंटरनल स्ट्रक्चर वो होता है, वो भी हिल जाता है, ठीक है, वर्किंग स्ट्रक्चर मतलब हिल जाता है। अगर मैं ढंग से काम करके नहीं दे रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट ब्रीच कर रही हूँ, और अगर वो मेरे को टाइमली पे नहीं कर रहे हैं तो वो मेरा ट्रस्ट ब्रीच कर रहे हैं। तो यदि म्यूचुअल ट्रस्ट ब्रीचमेंट होता रहा तो उससे क्या होगा, इफेक्ट किस पर होगा, इफेक्ट होगा इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर पे, मतलब इफेक्ट होगा इंटरनल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट होगा, दैट शुड नॉट बी हैपन। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर जैसे इंदिरा गांधी पर लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी आई तो कहीं ना कहीं लोगों का इंदिरा गांधी से ट्रस्ट ब्रीच हुआ और उसके कारण लोगों ने उन्हें दोबारा वोट नहीं दिए। तो जब वो दोबारा सरकार में नहीं आने का उनका बहुत बड़ा रीजन ये रहा कि लोगों का उनसे ट्रस्ट हट गया था, लोग ये मानने लगे थे कि वो एक डिक्टेटर है, ठीक है। अब जैसे मोदी जी से लोगों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं इस बात पे ब्रीच होने लगा है कि वो हमेशा कम्युनलिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो अगर नेक्स्ट इलेक्शन में अगर जो सामने वाली पार्टी होगी वो यही एजेंडा लेकर आएगी कि हम देश के अंदर लिबरलिज्म को प्रमोट करेंगे, हम हिंदुत्व की राजनीति को कम करेंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट रिलेशन में, देखो ऐसा माना जाता है, देखिए हमारे ना इंडिया में चीजें अलग है, अमेरिका में चीजें बहुत अलग है, इंडिया अमेरिका में चीजें बहुत डिफरेंट है। इंडिया में ये माना जाता है कि इंसान प्राइवेट रिलेशन में जैसा मर्जी हो, पब्लिक में अगर सही है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जैसे समीर वांगखड़े हैं, ठीक है, उन्होंने जब जो अयान खान है, उनका नाम अयान खान ही है ना, आर्यन खान के ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा जब सर्वे किया था कि ही इज टेकिंग ड्रग और नॉट और सब कुछ, उनको जब पकड़ा था तो उनका पूरा का पूरा लाइफ हिस्ट्री वो लोग निकाल कर ले आए थे कि उनका पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन रहा है, मदर के साथ कैसा रिलेशन रहा है, और अपनी वाइफ के साथ कैसा रिलेशन रहा है, बच्चों के साथ कैसा रिलेशन रहा है, वो सारी चीजें वो उनकी सारी शोकेश की गई थी, ठीक है, कि वो पब्लिक में किस तरह के होंगे, उनकी कि वो प्राइवेट में उन्होंने लोगों का कितनी बार पैसों के मामले में ट्रस्ट ब्रीच किया है, अगर किया है तो अगर किया होता तो उनका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पे भी वो चीज इफेक्ट करती, ठीक है। लेकिन अमेरिका में जब आपका रिक्रूटमेंट होता है, जब एज अ ब्यूरोक्रेट जब आप रिक्रूट होते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेट लाइफ कैसी है उसके बारे में भी थोड़ा सा वो लोग पता लगाते हैं, कि क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर ये प्राइवेट लाइफ में अच्छा नहीं है, अगर ये आदमी अपनी औरत से अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन की जो औरतें हैं उनके साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करे। अभी आपने कुछ वीडियोज देखी होगी, उसमें होता है ना कि एक एक जो जो एचआर होती है वो खुद एक मतलब एक गरीब सी लड़की का या कुछ कम अच्छी दिखने वाली लड़की का रूप लेकर कुछ एम्प्लॉयज के बीच में आके बैठ जाती है, तो जो एम्प्लॉय जिस तरह का बिहेवियर उससे करते हैं तो वो क्या करती है कि उसी बेसिस पे उनको जज करती है, ठीक है। तो कोई एम्प्लॉय है, उसने उसके बहुत बेइज्जती की कि तेरे कपड़े देख, तुझे कौन सिलेक्ट करेगा, तुझे कोई नहीं सिलेक्ट कर रहा, तू भाग जाए यहाँ से, दूसरे एम्प्लॉय ने उसके साथ में अच्छे से बिहेव किया, तो जिसने अच्छे से बिहेव किया लास्ट में जॉब उसको मिल जाती है। मतलब आप क्या देख रहे हो, आप ये कह रहे हो कि सामने वाले को सिखा तो हम देंगे लेकिन जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, वो होनी जरूरी है। तो मतलब आप प्राइवेट में कैसे हो उसका आपका पब्लिक रिलेशन में क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। और अमेरिका के अंदर ये तो ये चीज बहुत ज्यादा कंसिडर की जाती है, ठीक है।
और तो ऐसा माना जाता है कि इंसान अगर अपने घर की औरतों के साथ में सही नहीं है तो बाहर की औरतों के साथ में भी उसका जो रिलेशन है वो काफी खराब होगा। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट रिलेशन वैसे तो डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, दे आर गाइडेड बाय सम एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और वैल्यूज, और दोनों ही क्या होनी चाहिए, वर्च्यू, मतलब वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, वर्चुअस होनी चाहिए। पर्सनल हु इज अनएथिकल इन पब्लिक लाइफ कैन हार्डली बी एक्सपेक्टेड टू बी एथिकल इन प्राइवेट लाइफ। जैसे कोई माइसोगिनिस्टिक है, माइसोगिनिस्टिक मतलब जो औरतों की जो कंजर्वेटिव है, जो औरतों की जो रिस्पेक्ट है उसमें बिलीव नहीं करता कि औरतों को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मतलब वो औरतों के प्रति काफी कंजर्वेटिव है, तो पब्लिक लाइफ में भी वो औरतों से वैसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वो उनसे रिस्पेक्टफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इनकी आपस में क्या होता है, कंफ्लिक्ट वैसे तो देखो होते ही हैं कि जैसे कोई इंसान है, मतलब नेपोटिज्म की अगर हम बात कर लें कि एक पर्टिकुलर जज थे, उन्होंने ये बोल दिया कि मेरे प्राइवेट रिलेशन खराब हो जाएंगे तो ये केस मैं अपने हाथ में नहीं लूंगा क्योंकि ये मेरे प्राइवेट रिलेशन की बात है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अरुण जेटली का, उन्होंने ये बोला कि वोडाफोन वाला केस मैं हाथ में नहीं लूंगा क्योंकि मैं वहां पे पहले एडवाइजर रह चुका हूं, तो मैं नहीं चाहता कि जहां पे मैं कभी एडवाइजर रहा हूं मैं कभी इनका बुरा या अच्छा करूं, ये लोग बाद में मुझ पे इल्जाम लगाए कि क्योंकि मैं एडवाइजर था इस कारण मैंने गलत डिसीजन लिया। ठीक है, तो ये एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन होते हैं, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे भाई भतीजावादी जो नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है वो इसीलिए है क्योंकि एथिक्स प्राइवेट और पब्लिक रिलेशन में उनका कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा सा हम निम्न डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो देखिए कि अभी हम क्या करेंगे, हम आपका जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इंटेग्रिटी आपका चैप्टर शुरू करेंगे, और जब हम इंटेग्रिटी शुरू करेंगे उससे पहले हम एथिक्स प्राइवेट पब्लिक रिलेशन में जो डिफरेंस है उसको लेकर हम चलेंगे। ठीक है, तो अब हम आपके जो सेकंड क्लास होगी, मतलब आपका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पूरा का पूरा आपका इंटेग्रिटी विद डिफरेंसेस इन एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड आई रियली बिलीव कि आपको जो मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं आप वो एग्जाम्पल लिख रहे हो और आप वो एग्जाम्पल्स अपने नोटबुक्स में भी उतार रहे हो, और आप उन एग्जाम्पल्स को, क्योंकि ये वाली बातें मैंने बोली हुई है और वो बोली हुई बातें आपके इसमें तो लिखी नहीं हुई है। ठीक है, तो आप मेरी बोली हुई बातों को कुछ लिखिए और वो आप कोशिश कीजिए कि जैसे मैं अपनी लाइफ से एग्जाम्पल ला ला के आपको दे रही हूँ, आप भी अपनी लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्लैड टू कंप्लीट दिस पोर्शन ऑल्सो। ठीक है, और हाफ ऑफ द पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम इंटेग्रिटी शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।